राकेश जी एकदम टकाटक फ्लैट है, अखा मुंबई यहाँ से दिखती है। वो अखा पार्ले में इतना सस्ता फ्लैट नहीं मिलेगा। देखो फर्नीचर भी आपका है, खूब यूज करो, टीवी देखो, फ्लैट देखो। देखिए मैं काम के सिलसिले में अक्सर पुणे में रहता हूँ, तो औरतों के लिए सोसाइटी सेफ है? 100% सेफ है, सीसीटीवी कैमरे भी हैं, 24 घंटे सिक्योरिटी भी है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं भी तो हूँ ना। हेलो हेलो देवयानी, सुनो मैं यहाँ पार्ला में आया हूँ, मैंने एक बहुत अच्छा फ्लैट देखा है, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच राकेश, फाइनली मुझे इस नर्क से मुक्ति मिलेगी। अच्छा सुनो ना, मुझे भी फ्लैट देखना था। हाँ ऑफ कोर्स देख सकती हो, एक काम करो फटाफट आ जाओ। ठीक है। अच्छा सुनो, वहाँ कबर्ड में मैंने एक फाइल रखी हुई है, उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं अग्रीमेंट के लिए। वो भी लेती आना, अगर फ्लैट पसंद आया तो हम आज ही अग्रीमेंट कर लेंगे। ओके एक मिनट, राकेश कहाँ रखी है फाइल, मुझे मिल नहीं रही है। अरे यार मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए पूरा घर ढूंढ दिया और तुम एक फाइल नहीं ढूंढ सकती हो। हाँ तो नहीं दिख रही ना। कहाँ देख रही हो देवयानी? राइट वाले कबर्ड में, सेकंड वाले ड्रॉअर के अंदर देखो। मिल गई। ओके ओके, ये जो अग्रीमेंट वाली फाइल है वो वाली ना? मिल गई। चलो ठीक है, मैं बस अभी लेकर निकलती हूँ। ठीक है तो ले आओ। हेलो देवयानी, एसीपी सर, जिमी कैसे हो बेटा? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जिमी, आज कैसे आना हुआ तुम्हारा, कैसे हो तुम? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, एकदम आपकी तरह। मेरे तरह? सर अगर आपकी तरह रहूंगा अभी तो बड़ा होकर आपके जैसे सीआईडी ऑफिसर बन पाऊंगा। अरे वाह, मेरे जैसे बनना है? सीआईडी में एसीपी बनोगे? उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, एग्जाम की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, है ना? कैसी चल रही है तुम्हारी एग्जाम की तैयारी? एकदम बढ़िया चल रही है, और एग्जाम में तो सर बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। वेरी गुड, बैठो बैठो। सर मेरी स्क्रैप बुक है, मैंने इसमें क्राइम मिस्ट्री सॉल्व की है सर। माय स्क्रैप बुक, इसमें क्राइम मिस्ट्री है? जी सर, आप इसे देख के मुझे गाइड कीजिए ना सर। सर मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत अलग अलग जगह से कलेक्ट किए, और इसमें सब मतलब मैंने सेव किया, सब स्टैम्प किया यहाँ पे, और ताकि सब मेरे को एक साथ एक जगह पे देख सके। और सर ये वाला पेज ना, ये वाले पेज में सब बताया गया कि कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है। और सर इसके नेक्स्ट वाला जो पेज है ना, उसमें एकदम सर फाइनल डिटेल्स है। अच्छा, पर कुछ चीज़ें सर मिसिंग है जो मेरे को समझ नहीं आ रहा वो कैसे हुई है। तो ये क्राइम इस बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में हुआ है, जो भी तो बड़ा संगीन किया है जिसने भी ये किया है, और तुमने कमाल की मेहनत की है। लेकिन ये सब करने से पहले पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए, एग्जाम में अव्वल नंबर पे आना चाहिए, और फिर देखना तुम एक अच्छे सीआईडी ऑफिसर बनोगे। तुम बड़े हो जाओगे ना, मैं तुम्हें गाइड करूंगा अच्छे सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए। थैंक यू सर। अब ये सब जो है ना, इस मिस्ट्री को कब सॉल्व करोगे मालूम है? तुम्हारे एग्जाम खत्म होने के बाद, फिर हम दोनों बैठ कर सॉल्व करेंगे इसे। चल ठीक है सर, बाय सर। बाय। आदया कहाँ पर? अच्छा तो ठीक है, तुम सब लोग वहां पहुंचो, हाँ, और रिपोर्ट लेकर ब्यूरो में मिलना मुझे। या कंट्रोल योरसेल्फ राकेश, कंट्रोल राकेश, कंट्रोल योरसेल्फ राकेश, संभालो अपने आप को राकेश। एक मिनट प्लीज, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मैं बाहर आके बात करता हूँ। मैं बार बात करता हूँ आपसे, इनको बाहर लेके जाओ, एक मिनट में मिलता हूँ आपसे। चलो राकेश, ले जाइए, कंट्रोल योरसेल्फ, सब ठीक हो जाएगा। राकेश बोल रहा था जब इस पे हमला हुआ तो ये घर पे अकेली थी, बहुत ज्यादा खून बहा है। इसके गले पे जो तीन निशान है, इसको देखकर लगता है कि किसी ने धारदार हथियार से वार किया इसमें। सर लेकिन ये निशान तो चाकू के नहीं लग रहे। निशान तो कुछ और है, गले की नस कट जाने की वजह से इतना सारा खून बहा है, पर इन निशानों को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने हमला काफी करीब से किया है। यार अगर हमला करीब से किया है तो खूनी के पैरों के निशान क्यों नहीं?
चारों तरफ इतना सारा खून है तो बिना अपने पैरों के निशान छोड़े यहां से बाहर गया कैसे? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है कि खून आया कैसे है। राकेश ने बताया कि जब दिव्यानी का खून हुआ तब वो इसे फोन पे बात कर रहा था और ये एक फाइल ढूंढ रही थी, अचानक चीखने की आवाज आई, उसकी मौत हो गई। मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि इतने बड़े कमरे में वो खूनी आया कैसे, जो देवयानी को दिखाई, ये समझ में नहीं आया कुछ। बिल्कुल, अगर खूनी देवयानी को दिखता या उसके बारे में पता चलता तो वो रिएक्ट करती, फोन पे बात कर रही थी राकेश से, राकेश को पता चल जाता, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। सर, हमने पूरा घर छान मारा, कहीं पे भी मर्डर वेपन नहीं मिला। ये कैसा खून है? न खूने के आने का कोई सुराग है, न जाने का कोई निशान। खून भी ऐसे वेपन से हुआ है जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। खूनी तक पहुंचने के लिए ये तो पता चलना ही चाहिए भाई कि खून हुआ कैसे। सर, हो सकता है देवयानी पर खूनी ने पीछे से हमला किया हो और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती उसकी मौत हो गई। अभिजीत एक काम करता है, इस क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट करके देखते हैं, शायद पता चल जाए कि खूनी कहां से आया होगा। ठीक है, क्या तुम यहां पे देख लो, तब तक मैं सोसाइटी वालों से बात करता हूं। जिसने भी मेरी बीवी को मारा है प्लीज उसको मत छोड़िएगा। संभालिए अपने आप को, खूनी हमसे बच नहीं पाएगा। ये सामने वाला फ्लैट किसका है? सर, ये मेरा फ्लैट है। आप? सर, मैं अभिषेक और ये मेरी वाइफ पिया। हाय सर। लोग यहीं पड़ोस में इस फ्लैट में रहते हैं। 9:30 बजे जब ये खून हुआ तब आप लोग कहाँ थे? सर, हम यही कॉरिडोर में ही थे, हम बस घर की तरफ जा रहे थे और जोर से चीख सुनाई दी। हाँ सर, जोर से, तो तब हम यहीं पे रुक गए। आप यहीं पे थे कॉरिडोर में? हाँ जी सर। तो उस वक्त किसी को फ्लैट से आते जाते देखा? नहीं सर, हमने तो किसी को भी नहीं देखा। नो। सर, मैं आपको देख सकती हूँ। सर, मैं आपको भी देख सकती हूँ। सर, खूनी कहीं से भी आता देवयानी को दिखता जरूर, फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि देवयानी ने खूनी को देखा ही नहीं? यही तो समझ में नहीं आ रहा पूर्वी, ये खूनी देवयानी को दिखा कैसे नहीं? अंदर आके आसानी से मार के चला गया वो, और यहाँ हाथापाई के कोई निशान भी नहीं है। खूनी ना दाएं से आया, ना बाएं से, और ना ही पीछे से। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी सामने से आया? सामने तो कैबिनेट है, यहाँ से तो उसे जरूर दिखता। दिखता तो तब जब वो दिखाई देता, कहीं वो तो जगह ही नहीं है सर। इसमें भी नहीं है सर। देवयानी का खून हुआ है मतलब खूनी अंदर तो जरूर आया। अब सवाल ये उठता है कि वो यहाँ पर छुपा कहाँ होगा? और तो और सर, खूनी अंदर आया कैसे होगा? ना खिड़कियां टूटी हुई है और ना ही कांच टूटे हुए और ना ही दरवाजे के साथ छेड़छाड़ की गई है। साहब, उस समय मैं ड्यूटी पर ही था, ये कब हुआ मुझे भी नहीं पता चला। किसी पे शक क्या तुमका? जी नहीं सर। सर, उसके साथ तो एक ना एक दिन ये होना ही था। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप?
एक नंबर की कैरेक्टर लेस औरत थी सर। उसके घर में पता नहीं कितने मर्दों का आना जाना लगा रहता था। राकेश, ये फ्लैट की चाबी किस किस के पास होती है? सर, एक चाबी तो ईशान जी के पास है जो सोसाइटी के चेयरमैन है, और एक चाबी सिमरन के पास है जो दिव्यानी की बचपन की दोस्त है और उसने हमारा घर रेनोवेट भी किया था। बिना बताए सिर्फ एक वही है जो घर में आ सकती है। जरा सिमरन को बुला। मैं सोसाइटी का चेयरमैन ईशान हूँ और ये मेरी वाइफ भूमि है। सर, इस औरत की वजह से पूरी सोसाइटी परेशान थी सर। बच्चलने की सारी हदें पार करती थी सर। न जाने कितने आशिक थे इसके। मुझे तो लगता है सर, इसी के किसी आशिक ने इसकी हत्या की होगी। एक मिनट, हमें पता चला कि वो शादीशुदा और घरेलू महिला थी। सर, शादीशुदा थी पर अपने पति राकेश के साथ नहीं रहती थी। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज मेरी गाड़ी पार्क कर देंगे? यस श्योर। थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? अभिनव। कहाँ रहते हैं? बस इसी बिल्डिंग में। थैंक यू सो मच। सोसाइटी के मर्दों से वो थोड़ी बहुत मदद क्या ले ली थी तो आप लोग उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाने लगे हैं? अगर ऐसी बात नहीं होती तो हम उंगली क्यों उठाते सर? सर, दिव्यानी को 2% के लोग मिलने आया करते थे और जब ये बात पता चलती थी तो वो अपनी बात से पलट जाती थी और उल्टा लोगों पे हैरेसमेंट का इल्जाम लगाती थी। सर, सिमरन, इस घर की एक चाबी तुम्हारे पास रहती? जी सर, सिर्फ चाबी मेरे पास है इसलिए आप मुझ पे शक कर। दिव्यानी मेरी बचपन की दोस्त, मैंने उसका खून नहीं किया। राकेश, इस हादसे के बारे में दिव्यानी के घर वालों को इन्फॉर्म किया है ना? मैंने उसकी छोटी बहन को फोन किया था सर, वो आ रही होगी। आपको पता है इसने 10 आदमियों को लव कार्ड्स दिए हैं। लव कार्ड? वो तो मुझे भी नहीं पता था, जब मेरे हस्बैंड को दिया तब मुझे पता लगा। आपको भी? आप सबसे पूछ सकते हैं सर। क्यों? वो कार्ड हम देख सकते हैं? सर, मुझे सबके बारे में कुछ नहीं पता। मैं अपने काम की वजह से पूना में ही रहता हूँ और महीने में कोई 3-4 बार ही घर आने का मौका मिलता। इतना सब हो रहा था राकेश, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं सर, मुझे सही में कुछ नहीं पता, लेकिन देवयानी कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रही थी। एक्चुअली उसे इस रोजवुड सोसाइटी में रहना ही नहीं था। ऐसा क्यों? सर, उसे आस पड़ोस के लोग पसंद नहीं थे। कहती थी बहुत ही ज़्यादा अनफ्रेंडली और रूड है, और उसे इस घर की वाइब भी पसंद नहीं आ रही थी। इनफैक्ट उसके कहने पे आज सुबह ही मैंने एक नया फ्लैट बुक किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी के कैरेक्टर पे लोग ऐसे उंगलियां उठा रहे हैं। सर, ये रिया है, दिव्यानी की बहन। आइए बैठ। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जिस तरह की लोग बेहूदी बातें कर रहे हैं ना मेरी बहन के बारे में, वो ऐसी नहीं थी सर। मुझे पता है ये किसने किया है। किसने किया ये? सर, एक्चुअली शादी के पहले दीदी का एक बॉयफ्रेंड था, निलेश करके। दीदी की उससे सगाई भी हुई थी सर, सब उसी ने किया है सर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि देवयानी का खून निलेश ने किया है? सर, he was a disgusting man. मारता था, पीटता था मेरी बहन को सर वो। सर, उसकी इसी बिहेवियर की वजह से हमने उसकी सगाई तोड़ दी। मुझसे सगाई तोड़ी? सुने, मुझसे सगाई तोड़ी? हाँ, सगाई मुझसे, शादी किसी और से क्यों? अपने बाप के कहने पे ना, क्या कमी है उनमें? किसी और से शादी करने के बारे में सोचा ना तो मैं How dare you?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाल उठाने की? हाँ मेरी बहन तुमसे शादी नहीं करेगी, इसकी सी बात तुम्हारे भेजे में उतरती नहीं है क्या? जान ले लूंगा मैं तेरी, जान से मार डालूंगा अगर मेरे सिवा किसी और से शादी करने के बारे में सोचा भी तो। कुछ टाइम बाद वो दीदी के पास वाली बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था सर। उस दिन के बाद दीदी को रोज थ्रेटनिंग कॉल्स मैसेजेस रोज आते थे सर। सर यहाँ तक कि कुछ लोग दीदी के घर तक आते थे सर। सर मैं कह रही हूँ सर, ये सब नीलेश का किया धरा है सर। और वो सोसाइटी का चेयरमैन ईशान सब, वो मेरी बहन को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। तो ईशान ऐसा क्यों करेगा? वो इसलिए सर क्योंकि उसके इरादे दीदी के लिए अच्छे नहीं थे सर। वो उन्हें अकेला पाकर उनका फायदा उठाना चाह रहा था, और जब वो ऐसा नहीं कर पाया सर तो उसने दीदी को बदनाम करना शुरू कर दी। नीलेश और ईशान, नीलेश उसकी मंगनी टूट गई थी इसलिए बदला लेना चाहता था, और परेशान के मेल ईगो को ठेस लगी इसीलिए वो दिव्यानी को बदनाम करने लगा। राकेश, ईशान और नीलेश के बारे में तुम कुछ जानते हो? मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन एक रविवार की रोज को मैं घर पे ही था और रात को कोई 11 बजे थे तो घर की घंटी बजी, और जब मैं दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। वो मुझे देखते ही भाग गया वहां से। मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर तब वो निकल चुका था। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, अगर जरूरत पड़े तो तुम्हें बुला लेंगे। ईशान, नीलेश और वो आदमी जो रात को 11 बजे दीवानी के घर गया था, पता लगाना पड़ेगा इन तीनों के बारे में। हो सकता है खूनी इन तीनों में से ही कोई एक हो, पर जो भी हो खून किया कैसे देवयानी का? बस देवयानी पर किसी नुकीली बहुत तेज धार वाली चीज से हमला किया गया। जो तीन घाव हैं, एक ये गर्दन पर, इसकी वजह से इसकी नस कट गई, और ये जो दो घाव हैं, ये कंधे पर। कमाल की बात ये है बॉस कि ये तीनों जो घाव हैं, वो एक दूसरे से समान दूरी पर है, एकदम सिमेट्रिकल। और दूसरी एक सरप्राइजिंग बात, इन तीनों घाव की गहराई बिल्कुल सेम, 3 इंच। उन्हीं ने शायद एक ही हथियार का इस्तेमाल किया होगा वार करने में, और फोर्स भी अगर एक ही हो तो घाव की गहराई भी एक हो गई, 3 इंच। हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ इस केस में गौर करने वाली बात यह है कि देवयानी के जो घाव हैं इसमें कोई एंगल नहीं, वो हमले बिल्कुल सीधे हुए हैं ऊपर से। क्यों सीधा? जब हमला हुआ देवयानी खड़ी थी, और इसकी हील के साथ साथ इसकी हाइट होगी लगभग 5 फीट 7 इंच, और इसके इस तरीके से घाव होने के लिए खूनी की हाइट कम से कम होनी चाहिए 6 फीट 2 इंच, तभी ऐसे घाव हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। यार सारों के अगर खूनी 6 फीट से ज्यादा है ऊंचा तो इस कैबिनेट में कैसे छुप रह सकता है? ऐसे छुपकर उस पर वार ही नहीं कर सकता। अगर वो पीछे से भी आया देवयानी के तो देवयानी को पता भी चल जाता है, और वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी करती। तब बात यह है कि हमला किया कैसे? और सर अगर कोई भी आदमी खिड़की या दरवाजे से अंदर घुसता या बाहर निकलता तो कोई ना कोई तो उसे देख लेता, ऐसा भी नहीं हुआ। ये खूनी देवयानी तक पहुंचा कैसे? और तो और देवयानी को भनक तक नहीं आई, और फिर ऐसा कौन सा हथियार इस्तेमाल किया इस खूनी ने जो इस तरह के घाव बनाए? कौन सा हथियार? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो हमें दिख नहीं रहा है। वहां पर वो खूनी कहां से आया हमें मालूम नहीं, क्राइम सीन पर मर्डर वेपन नहीं मिला। ऐसा लगता है कि वो जो कैबिनेट है सर उसमें देवयानी की मौत का राज छुपा है। एक बार फिर चल के देखते हैं सर, शायद कोई सुराग मिल जाए वहां से। बिल्कुल सही कह रहे हो उदय। फिर एक काम करो, रोजूर सोसाइटी में जाकर उस सोसाइटी में जितने भी लोग हैं जो 6 फीट से ज्यादा हाइट के हैं उन सब की लिस्ट लेकर आओ, और तो और ये भी पता लगाओ कि देवयानी के घर में रात को 11 बजे कौन आया था जो राकेश को देखकर भाग गया।
दिव्यानी के सारे फोन रिकॉर्ड्स चेक करो, लैंडलाइन के रिकॉर्ड्स भी और मोबाइल फोन के रिकॉर्ड्स भी, और हम इस ईशान और नीलेश से बात करते हैं। डॉक्टर सालों के थ्योरी के मुताबिक खूनी की लंबाई 6 फीट से ज्यादा है। सर, इस कपड़े में फिट कैसे होगा? अभी वही सोच रहा हूँ। सर, ये शेल्फ निकालने से तो बहुत सारी जगह हो गया, और आपके ऐसा लंबा चौड़ा आदमी फिट हो जाए इसमें? वो भी देख लेते हैं। जब ये शेल्फ निकाल के मेरे जैसा आदमी इसके अंदर फिट हो सकता है तो शायद खूनी भी फिट हो गया होगा। लेकिन सर, उस केस में भी चांसेस तो यही कि देवयानी हमला करने वाले को देख लेती और शोर मचाती। क्या देख रहे हो? कैबिनेट के अंदर कोई मैकेनिज्म तो नहीं है इसके जरिए देवयानी का खून हुआ, लेकिन ऐसा कोई दिख तो नहीं रहा है। खूनी ने कोई सुराग नहीं छोड़ा। मर्डर वेपन का कुछ पता नहीं चल रहा है, देवयानी का खून कैसे हुआ ये भी अभी तक पता नहीं। देवयानी का खून हुआ कैसे होगा? एक काम करो, इस कैबिनेट के अंदर जितने भी उंगलियों के निशान हैं सब उठा लो। हो सकता है देवयानी ने अपने खूनी को देखा होगा, पर बेचारी बची नहीं हमें बताने के लिए। कौन हो सकता है खूनी, और फिर उसने मारा कैसे देवयानी को? कैसे मारा होगा? खूनी है तो बहुत शातिर सर। शातिर तो है, पर कब तक छिपेगा हमसे, कब तक? सर, ये 4 लोग हैं सोसाइटी में जिनकी हाइट 6 फीट और उससे ज्यादा भी है। अभिषेक, शान, वॉचमैन, भूमि। सर, ये हाई हील पहनती, हील पहनने के बाद इसकी हाइट 6 फीट हो जाती। अभिजीत कौन हो सकता है इनमें से जिसने दिव्यानी का खून किया? उस कैबिनेट में कौन छुप कर बैठा होगा? कौन हो सकता है? दीदी का एक बॉयफ्रेंड था, निलेश करके। बहुत बड़ा गुंडा है तुम, हाँ? पिछले हफ्ते अपने एक पड़ोसी को इतना मारा, मरते मरते बच गया वो, और देवयानी को तो मार ही दिया जान से। काश मार देता, पर अफसोस वो तो खुद ही मर गई। हाँ, मानता हूँ मेरी लड़ाई होती थी, पर इस बात पे कोई सगाई तोड़ता है क्या? सिर्फ इसीलिए उससे बदला लेना चाहता था। और देख लिया तुझमें, हाँ? 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में तेरी सारी एकड़ी निकाल दूंगा, समझा? फिर सपने में भी किसी पे हाथ उठाने की नहीं सोचेगा तू। सर, मैंने रोजवुड सोसाइटी का फुटेज अच्छी तरह से चेक किया, उसमें नीलेश सोसाइटी के बाहर यहाँ से वहां घूमते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, क्या करने जाता था वहां पे? मैं सर उससे मिलने गया था, मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उससे मिल नहीं पाया था। बुधवार सुबह 9:30 बजे जब दिव्यानी का खून हुआ, कहाँ थे तुम? पता नहीं सर, मैं थोड़ा रात में थोड़ा ज्यादा हो गया था, तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद करने की कोशिश कर, दिमाग पर जोर डाल, याददाश्त वापस ले आ, तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू खुद अपनी शक्ल पहचान नहीं पाएगा, समझा? पड़ी चल। ईशान, तुम देवयानी को सर्टिफिकेट दे रहे थे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हाँ? खुद के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं सर। अगर हम सब कुछ समझ गए, देवयानी के साथ तुम्हारी दाल नहीं गली तो तुमने उसे बदनाम कर दिया पूरे सोसाइटी में। अब सब कुछ सच सच बताओ ना तेरी मैं। सर वो सब मर्दों के साथ घुलती मिलती रहती थी, तो मैंने उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन मुझे उसने नकार दिया। तब मैंने सोचा कि मैं उससे बदला लूंगा। बदला लेने के चक्कर में उसे जान से मार दिया? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने तो सिर्फ उसे धमकाया था डराने के लिए। तुम्हारे पास उसके फ्लैट की चाबी भी तो थी, मतलब तुम्हारे पास मकसद भी था और जरिया भी। लेकिन सर, जब उसकी मौत हुई तो मैं तो सोसाइटी का वाटर पाइप ठीक करा रहा था। आप चाहे तो किसी से भी पूछ सकते हैं। वो तो हम पता कर ही लेंगे। सर,
सर, ये ईशान और नीलेश, इन दोनों में से कोई भी खूनी हो सकता है। दोनों के पास वजह तो थी खून करने की, पर कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। थोड़ी इंक्वायरी और करनी होगी। जो भी है, बड़ा चालाक समझता है अपने आप को। जो दिव्यानी के घर रात को 11 बजे कोई आया था, कौन था वो, कुछ पता चला? हाँ सर, उसका नाम सुनील है, बाहर ही बैठा है। सर, दिव्यानी से मेरी बात एक डेटिंग साइट पे हुई थी। सर, डेटिंग साइट पे? यस सर। फिर हमारी बात मेल पे भी होती थी सर, और दिव्यानी ने मुझे घर मिलने के लिए बुलाया था, और मैं मिलने के लिए गया भी था सर, और उसके पति को देखे घबरा गया मैं सर, घर के बारे में वहाँ से भाग गया सर। पूर्वी, दिव्यानी की डेटिंग साइट ट्रैक करो और उसकी ईमेल भी चेक करो, देखे तो सही ये कितना सच बोल रहा है। सर, दिव्यानी दीदी के फोन पर कोई जीवन नाम का आदमी फोन कर रहा है, बार बार उल्टी सीधी बातें कर रहा है, सब प्लीज देख लीजिए। जीवन, नंबर क्या है इसका? बोला ना, इतनी जल्दी काम नहीं होगा। तुम लोग क्या, चाहे बिल्डर के आदमी हो या कोई भी, मैंने बता दिया ना, काम होने में अभी टाइम है। टाइम तो अब तेरा खत्म होने वाला समझा। पहले ये बता, देवयानी को कैसे जानता था तू? देवयानी? हाँ। कौन देवयानी? हर दूसरे दिन 10-10 बार फोन करता था उसे, कौन देवयानी? सर, कौन है आप लोग? हम वही है जिससे मुजरिम कांपते, CID। सर, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया? देवयानी का खून कर दिया बोलता, कुछ नहीं किया? सर, मैंने कसम से उसका खून नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। खून नहीं किया तो 10-10 बार फोन क्यों करता था? सर, एक्चुअली मुझे देवयानी का नाम और नंबर मिला तो मैंने सोचा थोड़ा परेशान करता हूँ, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं। सर, किसने दिया ये नंबर? मैं सत्यम कॉम्प्लेक्स किसी काम से गया था, तो वॉशरूम गया तो वहाँ की दीवार पे उसका नाम और नंबर लिखा था, तो मैंने उसे कॉल किया सर, तो वो मुझे डांटने लगी। मैं समझ गया वो बहुत ही शरीफ औरत है। सर, मैंने उसका खून नहीं किया, मैं सच बता रहा हूं, कसम खा के कह रहा हूं, मैंने उसका खून नहीं किया। पंकज, जरा चेक करना सत्यम कॉम्प्लेक्स। सर, ये तो कमर्शियल बिल्डिंग है, बहुत सारे ऑफिसेज हैं यहाँ। ओ, जरूर वहां रोजवुड सोसाइटी में कोई है जो सत्यम कॉम्प्लेक्स में काम करता है, जिसे देवयानी से कुछ ज्यादा ही नफरत है। जिमी बेटा, वापस तुम क्या करने लगे? एग्जाम सर पे है ना? दिव्यानी की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अरे, पहले मैथ्स का क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व कर ले। कुछ बोल रही हूँ? मम्मी, पहला पेपर फिजिक्स का है, और ये मर्डर कुछ फिजिक्स के लॉजिक से ही हुआ है। तुम और तुम्हारी ये लॉजिक ना, इनसे मैं परेशान हो गई हूँ। अब यही लॉजिक जाके तुम अपने ACP सर को समझाओगे, और फिर वो फोन करके मुझसे तुम्हारी शिकायत करेंगे। मम्मी, जब ACP सर मेरी कंप्लेन करे ना, तो उनके सामने ऐसे मुझे थोड़ा बहुत डांट देना, ठीक है? CID ऑफिसर बनने की बात करता है, पर अपनी माँ को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रहा है ना? अब मैं ही जाके ACP सर से ना तेरी शिकायत करती हूँ, रुक। मम्मी, मम्मी, मुझे पता है कि आप सर से मेरी शिकायत नहीं करोगे। अच्छा, क्योंकि आप तो वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो, है ना मॉम? अरे छोड़, है ना? अरे जिमी छोड़, आप ना, आप नहीं शिकायत करोगे ना? अरे मम्मी, आप भी रुक जाओ, आप नहीं करोगे मम्मी?
सर है तो कोई रोजवो सोसाइटी का ही जिसका कनेक्शन इस सत्यम कॉम्प्लेक्स से है। सर मैंने देवयानी और सुनील के बीच सारे मेल चेक किए, एक बड़ी चौंकाने वाली बात पता चली। कौन सी बात? सर देवयानी ने जब भी मेल किया उसने अपना आईपी एड्रेस रीरूट कर दिया है। रीरूट? ताकि किस कंप्यूटर से मैसेज भेजा गया है किसी को पता ही ना चले। और सर एक बार ये देवयानी अपना आईपी एड्रेस बदलना भूल गई। चौंकाने वाली बात क्या है? सर बात यह है कि वो एड्रेस भी देवयानी का नहीं है। किसका है? देवयानी की पड़ोसी पिया। और ये मेरी वाइफ पिया। हाय सर। हम लोग यहीं पड़ोस में इस फ्लैट में रहते हैं। पिया ने डेटिंग साइट पे देवयानी की प्रोफाइल बनाई और सुनील को भी मैसेज यही भेज रही। सर सत्यम कॉम्प्लेक्स में रोजवुड सोसाइटी की भूमि काम करती है। देवयानी की पड़ोसन भूमि और पिया, अब देवयानी की मौत के पीछे सच्चाई क्या है ये तो भूमि और पिया ही बताएगी। एसीपी सर, एसीपी सर। अरे एसीपी सर, मैंने ढूंढ निकाला। क्या ढूंढ निकाला? यही कि देवयानी की मौत कैसे हुई थी। देवयानी की मौत कैसे हुई थी? ड्रोन से हुई थी देवयानी की मौत। ड्रोन से? हाँ सर। सर ये देखो सर, मुझे लगता है वो ड्रोन ना ये खिड़की से अंदर आया था और वो ड्रोन पे नाइफ लगा हुआ था और किलर ने ड्रोन को रिमोट से कंट्रोल किया होगा और उसी से देवयानी को मारा होगा। जिमी, अगर ड्रोन से मारा होता देवयानी को तो ड्रोन आते वक्त उसकी आवाज भी तो सुनती देवयानी, और उसके ड्रोन की आवाज सुनकर वो अपने आप को बचा लेती है कि नहीं? हाँ सर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पर सर ऐसा हो सकता है कि वो ना स्पाइडरमैन की तरह ऊपर चिपक के बैठा होगा, तभी देवयानी उसे नहीं देख पाई और जब वो आई तब उन्हें मार दिया। जिमी तुम पढ़ाई कम और सुपर हीरोज की फिल्में ज्यादा देख रहे हो। तुम्हें पता है ना, स्कूल में पढ़ा है ना कि जो भी चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती ही है, आना ही पड़ता है। क्यों बताओ? ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। चलो जाओ पढ़ाई करो, एग्जाम की तैयारी करो। हाँ हम लोग निकलते हैं अभी काम पे। बाय बाय। मैं वापस आऊंगा। वापस आऊंगा। कुछ पता ही नहीं रहा। बता दे बता दे। चलिए चलिए। सर हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है? बहुत शौक था ना तुम्हें डेटिंग साइट पे दूसरों का प्रोफाइल बनाने का? सर मैं कुछ समझी नहीं। शर्मानी चाहिए तुम लोगों को, एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ इस तरीके का सलूक किया तुम लोगों ने। तुमने देवयानी का डेटिंग साइट पे नकली प्रोफाइल बनाए, लोगों को नकली मेल किए ताकि वो बदनाम हो जाए। सर आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। सबूत है हमारे पास, तुमने अपना आईपी एड्रेस चेंज नहीं किया था पिया। पर मुझे क्यों बुलाया है यहाँ? आपको? आपने तो देवयानी का नाम और नंबर टॉयलेट तक में लिखवा दिया था। नहीं सर, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? अच्छा, वो स्वीपर को बुलाए जिसे पैसे दिए थे तुमने ये सब काम करने के लिए? सर अब तो साफ है, इन दोनों ने मिलकर ही देवयानी को मरवाया है। हाँ जी, इन पर कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। नहीं सर, प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए, हम लोगों ने उसे नहीं मरवाया है। सर हम लोगों ने मिलकर उसे बदनाम करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन हमने उसे मारा नहीं है। हाँ सर, हम चाहते थे कि वो यहाँ पर नहीं रहे, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। पर जब वो जा रही थी तो फिर हम लोग उसे क्यों मरवाएंगे? पर तुम दोनों चाहते क्यों थे कि वो इस सोसाइटी में ना रहे? सर देखिए ऐसा है कि देवयानी अक्सर घर पे अकेले रहा करती थी और सोसाइटी के सारे मर्द उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे, तो हम थोड़ा इनसिक्योर हो गए थे कि कहीं हमारे हस्बैंड्स भी बहक ना जाए। विश्वास नहीं हो रहा है कि एक औरत होकर भी तुम लोग एक औरत के साथ इस तरीके का सलूक कर सकती हो। अब बाकी की सफाई हवालात में जाके करना। ले जाओ इन लोगों को पूर्वी। चलिए चलिए आप लोग, चलिए चलिए चलो। हाँ सर, क्या पता चला? मैंने उस कबर्ड को अच्छी तरह से चेक किया,
मुझे उस कवर में देवयानी और राकेश की उंगलियों के निशान के अलावा किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिले, और ये उंगलियों के निशान भी सिर्फ नॉब पर थे, दरवाजे की नॉब पर, और कहीं नहीं थे। मतलब कैबिनेट के अंदर कोई बैठा नहीं था? नहीं, इसका तो कोई सबूत मिला नहीं। अब ये केस तो सुलझने के बजाय उलझता ही चला जा रहा है। अगर खूनी कैबिनेट में नहीं था तो फिर कहाँ था? ये खून हुआ तो हुआ कैसे? खिड़की से आया, ना दरवाजे से आया, और ना ही कबर्ड के अंदर था। तो खूनी आया तो आया कहां से? और खूनी नहीं आया तो खून हुआ कैसे? खून हुआ कैसे? देखो मैम, तुम लोगों को बताया था ना, देवयानी के कंधे पर जो तीन घाव थे वो एकदम 90 डिग्री के एंगल से थे। मतलब अगर वार किया गया है तो ऊंचाई से किया गया है, ऊपर से। से नीचे पेड़ी, जरा झूमर की लाइट ऑन करो। अरे तीन बल्ब तो जल नहीं रहे, फ्यूज उड़ गया क्या इनका? फ्यूज तो नहीं उड़ा होगा, ये झूमर नया है, अभी भी लगा है। देवयानी के कंधे पे गांव के तीन निशान, झूमर के तीन बल्ब ऑफ। पेड़ी जरा ये झूमर उतारो, देवयानी की मौत का राज शायद इसी में छुपा हुआ है। क्या कर रहा है? ये वो हथियार है जिससे खून हुआ, खून लगाओ इस पे। ये दूसरा, और ये फोल्डेबल तार से जुड़ा भी हुआ है, इसकी मदद से ये तीर की गति से नीचे आए, देवयानी का मर्डर किया और वापस ऊपर जाके बल्ब की जगह पे जाके फिट हो गए। सर इसमें सेंसर्स भी हैं, ऐसा लगता है कि वाईफाई के जरिए किसी रिमोट या ऐप से चलाया जा रहा होगा ये। कोई तो इस कैमरे के जरिए देवयानी पे नजर रखे हुए था, उसकी हर हरकत पे। और जैसे ही देवयानी यहाँ इस कमरे में आई, कमर के नीचे, उसने अपने ऐप के जरिए इस हथियार को नीचे छोड़ दिया, या के सीधा देवयानी को लगा, उसकी मौत हो गई। तभी तो खूनी हमें ना आते दिखा ना जाते दिखा, दिखेगा कैसे जब खूनी यहाँ था ही नहीं। अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया खूनी ने, लेकिन ऐसा कर कौन सकता है? सर खूनी का पता चल गया। मैडम को फ्लैट पसंद तो आया ना? जैसे ही हमने शैंडिलियर पर लगा मैकेनिज्म देखा, हमें पता चल गया कि सबके पीछे सिमरन तुम ही हो।
क्योंकि तुमने दिव्यानी के घर का रिनोवेशन किया था कुछ दिन पहले। जो कुछ भी किया सर राकेश के कहने पे किया, लेकिन ये इतना घटिया निकला कि इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की ताकि इसका रास्ता साफ हो जाए। पर इसका साथ दिया क्यों तुमने? दिव्यानी मेरी दोस्त जरूर थी, लेकिन मैं उसे बचपन से ही बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उसकी अच्छाई के कारण हर कोई उससे ज्यादा अप्रिशिएट करता था। मुझे बहुत जलन होती थी और इस राकेश ने इसने मुझे उकसाया और उसे मारने का प्लान बनाया जिसमें मैं शामिल नहीं थी, लेकिन इसका साथ जरूर दिया। सेंटर वाले कबर्ड में सेकंड वाले ड्रॉर के अंदर दे। तुमने उसे जानबूझकर फाइल लाने के लिए कहा, जैसे वो झूमर की निशानी तुमने अपना ऐप के जरिए उसका खून कर दिया। और क्या करता सर, मैं ऐसी औरत के साथ जिंदगी भर रहता जिसके न जाने कितने तो उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था। शादी के बाद भी उसके दर्जनों अफेयर, मैं उसे छोड़ना चाहता था पर फैमिली के प्रेशर की वजह से वो भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे कैसे वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी और उसको कोई सजा नहीं मिलती सर। मुझे उससे छुटकारा चाहिए था, इसलिए मैंने उसकी मौत को अपना रास्ता बना लिया और सिमरन की बचपन की जलन को उसका जरिया। सिर्फ शक के बिना पर तुमने अपनी पत्नी की जान ली। सर शक नहीं था, मुझे यकीन था। सिर्फ एक दो लोग नहीं, पूरी सोसाइटी के लोग उसकी हरकतों के बारे में बात करते थे। और मैंने खुद ने जब मैं घर पे होता था तो रात के वक्त पता नहीं कैसे कैसे मर्द उसको ढूंढते हुए वहां पे आ जाते थे। ऐसी औरत के साथ कोई कैसे जी सकता है सर? ये क्या कर दिया तुमने राकेश, अपनी सीधी सादी पत्नी देवयानी पर शक करके उसकी जान ले ली, अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर लिया तुमने। अब तुम दोनों जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।